हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे ईश्वर से आपके लिए यही प्रार्थना है, आप सभी को अपने मार्ग में आनंद की प्राप्ति हमेशा होती रहे। और चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है नाग पंचमी शाम 5:30 बजे से। जी हाँ, आज है नाग पंचमी और आप देख सकते हैं बारिश अपनी चरम सीमा पर है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। और इधर मैं बना रही हूँ कपड़े की गुड़िया। तो आज नाग पंचमी है, शाम को हमारे यहाँ गुड़िया पीटने का रिवाज है। कहा जाता है एक राजा की बहन भाग गई थी किसी के साथ, तो जब वो पकड़ के लाए थे तो बहुत ज़्यादा अपनी बहन को पीटा था उन्होंने। तभी से उन्होंने घोषणा कर दी कि जो जिसकी बहन मतलब किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ भाग जाएगी अपने भाई या माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी वादी कर लेगी तो इसी तरह उसकी पिटाई होगी। तभी से गुड़िया पीटने का चलन बनाया है। तो चलिए गुड़िया भी पिटवा देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास छिपुला नहीं है। छिपुला की डाल से पीटे जाती हैं गुड़िया, लेकिन ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। छिपुला के पत्ते डार मंगवा लेते तो ऐसे ही बच्चे से कह देंगे, पीट देगा वो जिस जो भी उसके पास व्यवस्था होगी। क्योंकि हमारे यहाँ ना ही छड़ी मिल रही थी ना कुछ, तो इसी बैट से खेल रहा था, तो उसी से मैंने कहा बच्चा चलो इसी से पीट दो, तो इसी से उसने पीट दिया था। आप सब बताइएगा आप सबके यहाँ गुड़िया कैसे मनाई गई थी। तो निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। आप लोगों से कई दिनों से बात हो रही थी, हमें कहीं जाना है, उसकी पैकिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तैयारी के साथ निकल पड़े हैं। और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, तो आपको पता चलता रहेगा हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो ये सब मेरे संगी साथी दोस्त हैं। तो ट्रेन में हम लोगों ने बैठ लिया था, काफ़ी आधा एक घंटा हो गया था। तो उसके बाद सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। तो खाना सब लोग अपने अपने घर से लाए थे और मिल बाँट के सब लोग खा रहे थे। कोई कचौड़ी लाया था, कोई पनीर, और जो भी जिससे जिसके घर में बना हुआ था वो लेकर के आया था। और साथ में मिलके हम लोग खाना खा रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और भूख भी अच्छी खासी लग रही थी सबके साथ में। तो सफ़र में खाना खाने का आनंद ही कुछ और है, चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, सबके साथ में तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह हंसते गाते हुए हम लोग निकल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। तो आप लोग भी बताइएगा सफ़र में किस किस को खाना पीना अच्छा लगता है। हम लोगों को तो बड़ा ही आनंद आया और बड़ा ही अच्छा लगा, बिना भूख के ही दो चार और खा गए। ऐसा होता ही है साथ में जब हो तो भूख ज़्यादा लगती है। तो हम लोगों ने तो ट्रेन में भरपूर मस्ती करी है। आप लोग बताइएगा ट्रेन के सफ़र में आप सबके साथ खाना खाना पसंद करते हैं या नहीं, या अकेले खाना खाना पसंद करते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लीजिए हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पर। तो सुबह के हो गए हैं 6:30। जी हाँ, 6:30 बजे ही हम लोग ट्रेन से उतर गए थे। तो यहाँ पर सब लोगों ने ली सेल्फी, कुछ यादें बनाकर संजोकर रख लेनी चाहिए ताकि जब उन्हें हम खोल कर देखें तो यादें हमारी ताज़ा हो जाएं। तो वही ये सब लोग भी यहाँ पर जैसे स्टेशन पे आए हुए थे तो सब ने साथ में सेल्फी ली, फ़ोटो खिंचवाए, और तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और सुबह नींद भी बढ़िया अच्छी से पूरी हो गई थी। रात में ट्रेन में ऐसे सो गए जैसे लग रहा घर में सोए हैं, और सीधे सुबह ही आँख खुली तो सफ़र का कुछ पता ही नहीं चला। तो अब निकल पड़े हैं वाराणसी की गलियों में। जी हाँ, हम लोग आए हैं वाराणसी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो अब हम लोग निकल चुके हैं। तो स्टेशन से भदौड़िया चौराहे तक हम लोगों ने रिक्शा किया था, तो यहाँ पर काशी में छोड़ दिया है। अब हम लोग करेंगे रूम अपने लिए, तो वहाँ से फ्रेश वगैरह होकर निकलेंगे अपनी मंजिल, अपने बाबा, अपने भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो ये सब हमारे संगी साथी हैं जो आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे आप लोगों के लिए ब्लॉग तैयार करते हुए जा रहे हैं ताकि आपसे शेयर कर सकें। क्योंकि दूसरों की मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं, जो भी करना है अपने हाथ ही करना है। तो ब्लॉगिंग वीडियो भी हम अपने हाथ ही शेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि और सब वीडियो में आना पसंद करते हैं पर बनाना नहीं, तो इसलिए हम पूरी रास्ता आपके लिए ब्लॉग की शूटिंग करते चले आए हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग को देखिएगा, भरपूर प्यार दीजिएगा, बड़ी मेहनत से तैयार किया है आप सबके लिए ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो हम लोग नहा धोकर यहाँ पर फ्रेश हो चुके हैं, ये कमरा लिया गया था। तो यहाँ पर अंशु कुछ फ़ोटो
फ़ोटो खिंचवा रही हैं चश्मा लगा कर के, उनकी दीदी तैयार हो रही हैं। हम लोगों ने थोड़ी बहुत कमरे में ही चश्मा लगा कर मस्ती कर लिया था, पर भगवान के मंदिर में ले जाना वहाँ तक कुछ भी अलाउ नहीं था, तो चश्मा वगैरह कुछ भी नहीं ले गए थे, सब यहीं रूम में डाल गए थे। यहाँ तक कि वहाँ तक जाते जाते फ़ोन भी जमा हो जाता है, फ़ोन भी अंदर नहीं जाता है, जहाँ पे हम लोग प्रसाद लेंगे वहीं पर फ़ोन को जमा करके तब अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाने दिया जाता है। और तो चलिए तैयार हो गए, फटाफट चलते हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए। तो निकल पड़े हैं काशी की गलियों में, वाराणसी की गलियों में भगवान भोलेनाथ की पूरी अनुभूति करते हुए, उनको हृदय में बसाकर उनकी गलियों में घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब निकल पड़े हैं गंगा घाट की ओर। तो जी हाँ, गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो मन में बड़ा ही आनंद है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि गंगा जी के कभी दर्शन कर पाएंगे, उनको छू पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे रियल में। तो गंगा मैया ने आज कृपा करके अपने पास बुला ही लिया है, तो चलिए आप सबको गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। और सच में सच मानिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं वाराणसी काशी आई हूँ अपने भोलेनाथ से मिलने, और भगवान ने इतनी कृपा कर दी मुझ पर, तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं काशी आ गई हूँ। तो ये देखिए गंगा का किनारा है, और गंगा में आ गई थी बाढ़, तो इसलिए यहाँ पर स्नान कर पाना बहुत मुश्किल था। वैसे भी महिलाओं को स्नान करना नदियों में वर्जित है, तो कमर से नीचे का भाग नदी में नहीं डूबना चाहिए, इसलिए मैं स्नान वैसे भी नहीं करती। जिनको पता है वो नहीं करते, जिनको नहीं मालूम है वो कर लेते हैं, या फिर नहीं मानते हैं तभी कर लेते हैं, पर मैं नहीं करती। मैंने गंगा को स्पर्श किया था, जल छिड़क लिया था, बस डुबकी वगैरह नहीं लगाई थी। तो ये है गंगा का किनारा, और अब निकल चुके हैं गंगा जी में हाथ पैर धुल के, पानियों ने छिड़क लिया था, फिर अब निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि अब मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब उनकी लाइन में लगूँगी ना, जहाँ से प्रसाद लूँगी वहीं पर मोबाइल वगैरह जमा हो जाता है, एक लॉकर दिया जाता है, सबके मोबाइल एक साथ जमा करके एक लॉकर में डाल दिए जाते हैं, वहाँ एक पिन भी नहीं ले जा सकते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी वगैरह है, मिलिट्री के लोग लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, और भगवान भोलेनाथ की बहुत सख्त पहरा दे रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा था। रियल में इतने अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे, पर एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ बड़ी सी टीवी लगी हुई थी, तो डायरेक्ट अंदर का पूरा व्यू दिख रहा था। भगवान भोलेनाथ के टीवी पे बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे, और जहाँ पे प्रसाद चढ़ रहा था वहाँ पे पूरी शिवलिंग नहीं देख पाए थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी। पुजारी ने जैसे प्रसाद दिया बस धक्का दे दिया, आगे जाओ, क्योंकि क्या करते पुजारी भी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, करोड़ों में लोग थे, तो सबको संभाल पाना मुश्किल था। तो यहाँ पे वाराणसी में बहुत सारे अंग्रेज़ भी देखने को मिलते हैं, बाहर से आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे, अब निकल पड़े हैं संकट मोचन वीर हनुमान जी के दर्शन करने, भगवान बजरंग बली बाबा के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, और यकीन ही नहीं हो रहा था, एक साथ इतने देवी देवताओं के, बड़े बड़े मंदिरों के, सिद्ध मंदिरों के दर्शन हो रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आप सब कमेंट में बताना कि आप सब लोग कौन कौन यहाँ वाराणसी आ चुका है, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं, प्लीज़ बताइएगा। और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा कि मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर चुकी हूँ, और उनके साक्षात जहाँ पे वो हैं उन गलियों में मैं घूम रही हूँ, ये यकीन कर पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर मैं ढूंढ साधु संतों को रही थी, पर कोई एक साधु संत मुझे रोड पर ऐसे वैसे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये जाहिर से बात है साधु संत ऐसे रोड पे नहीं मिलेंगे, पर मेरी नज़रें उन लोगों को ढूंढ रही थी कि एक बार किसी साधु संत सिद्ध के दर्शन हो जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये है संकट मोचन वीर हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे भी सारे फ़ोन वगैरह यहीं पे जमा हो जाएंगे, तब अंदर एंट्री दी जाएगी, और अंदर बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने फ़ोन जमा करने के लिए खड़े हुए हैं,
तो वहाँ से संकट मोचन के दर्शन कर आए थे, अब आ जा रहे हैं अपने रूम पे बैठने के लिए। तो ये देखिए अंग्रेज़ आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे अंग्रेज़ों के बहुत सारे बार बार दर्शन हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई बताइए कि हमारे विदेश से लोग भी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे थे, और बनारस आए थे, और बनारसी साड़ियाँ ना ली जाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर रोड पर बहुत लोग खड़े हुए थे जो पकड़ पकड़ के सबको अपनी साड़ियाँ दिखा रहे थे, तो ज़बरदस्ती मतलब रिक्वेस्ट करी कि चलिए साड़ियाँ देख लीजिए चल के हमारी, हम तो यहाँ पे आए हैं हम लोग बनारस में बनारसी साड़ियाँ देखने। तो ये ज़्यादा साड़ियाँ किसी को पसंद नहीं आई थी इसलिए नहीं ली थी। रूम पे गए थे, दो चार घंटे आराम किया था, फिर से शाम को निकल पड़े थे मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे थे बतासे, शाम का करीबन 7:30 बजा हुआ होगा, तो यहाँ पे सब लोग आराम आराम करके चले। तो आ गए थे गंगा किनारे पर, तो गंगा किनारे पर हो रही थी गंगा जी की आरती, और बहुत ढेर सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर दीप दान करने के लिए। जी हाँ, अगर सावन के पवित्र महीने में आए हैं गंगा जी के दर्शन करने तो दीप दान ज़रूर करना चाहिए। तो ये है गंगा जी का घाट, तो यहाँ पर सभी लोग दीप दान कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने भी एक दीप दान किया, पर वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, और तो मैंने ऐसे ही दीप दान कर दिया, दिखा नहीं पाई आपको मैं। तो मैंने भी दीपदान किया था, और मेरी फ्रेंड भी हैं एक, तो उन्होंने भी दीपदान किया है, तो उनकी वीडियो मैंने बना ली थी, तो मैं उनकी वीडियो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ गंगा जी में उन्होंने किस तरह से दीपदान किया है। बहुत अच्छा लग रहा था, और काश गंगा जी में बाढ़ ना आई होती तो और भी यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अच्छी लगती देखने में, क्योंकि जहाँ तक लोग रहते थे स्नान वगैरह करते थे सारी सीढ़ियाँ वगैरह सारी डूबी हुई हैं, देख सकते हैं आप नाव यहाँ तक है, लेकिन यहाँ तक सब कह रहे थे कि आरती वगैरह होती थी, और यहीं से यहाँ तक सब पानी भरा हुआ है। तो ये अंशु जा रही हैं नदी में, गंगा नदी में मतलब दीप दान करने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगता है गंगा नदी को स्पर्श करना, इतनी पवित्र इतनी पावन नदी को जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, आज उनको मैंने अपने हाथों से स्पर्श किया है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सच में गंगा जी के दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप तर जाते हैं, ऐसा नहीं कि डुबकी लगा लो फिर वैसा करो जाके, नहीं, अगर मन में विश्वास हो कि गंगा मैया मुझे क्षमा कर दो मेरे अपराधों के लिए, वो क्षमा भी कर देंगी, और फिर दोबारा मत करो तो गंगा में स्नान करने के बाद तुम वैसे ही पवित्र हो जाओगे, इतनी पवित्र नदी है गंगा मैया। तो यहाँ पे दीपदान सब लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गंगा का पानी बहुत ही यहाँ किनारे पे गंदा हो गया है, और आगे बहुत ही कलकल कलकल सी धारा आपको हम दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा लग नज़ारा है। तो वहाँ पे एक दीपदान करने के बाद यहाँ पे एक अंग्रेज़ मिली थी, तो मैंने इनके साथ थोड़े से फ़ोटो लिए, वीडियो शूट की, बहुत ही अच्छा लगा था, ये बहुत ही प्यारी थी, ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी। और यहाँ पर अब देखिए ना कितने छोटे से प्यारे से गौरी शंकर मिल गए हमको, तो इनके साथ भी हमने फ़ोटो खिंचवाई, फ़ोटो लिया, और कहने लगे पहले हमको पैसे दोगी तो हम फ़ोटो खिंचाएंगे। मैंने कहा ज़रूर देंगे पैसे, पर फोटो सेल्फी वीडियो बनवा लो मेरे साथ मेरी प्यारी गौरी शंकर। तो कहा ठीक है, तो मैंने इनके पैर छुके इनका आशीर्वाद लिया था, और देखिए ना कितने प्यारे गौरी शंकर लग रहे हैं, लग रहा साक्षात गौरी शंकर के रूप में आशीर्वाद देने आ गए हमको। तो बहुत ही अच्छा लगा था इनका ये रूप देख करके, क्योंकि हर रूप में ही भगवान बसते हैं हर इंसान में, तो ये तो साक्षात गौरी शंकर का रूप बनाए हुए थे, तो इनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी था। और यहाँ काशी आए हुए हैं, और इन कहते हैं ना भगवान भोलेनाथ को कड़ कड़ में ढूंढना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे मेरे लिए ये लग रहा था कि मेरे गौरी शंकर आकर मेरे सामने खड़े हो गए हैं इन बाल रूप में, तो बहुत ही अच्छा लगा था। सच में काशी की नगरी में आकर के हर तरफ मैं भगवान भोलेनाथ को ही ढूंढ रही थी, सब में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रही थी कि कहीं ना कहीं शायद कहीं आ जाएँ और अपना हाथ रख दे, तो इन बाल रूप में आकर मेरे सर पे उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। बार बार मन व्याकुल हो रहा था कि मुझ जैसे अधम पर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि उन्होंने मुझे अपनी नगरी काशी बुला लिया, यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी मैं आ पाऊँगी। मैं आप लोगों से बार बार यही कह रही हूँ, सच में मुझे कभी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं काशी आकर दर्शन कर पाऊँगी, अपनी मन की बात मन में ही डाल देती, लेकिन
जिनको जैसे बुलाना होता है वैसी व्यवस्था भगवान भोलेनाथ कर ही देते हैं। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, तो ये समझ लीजिए मैं हर जगह पे बने भोलेनाथ को ही ढूंढ रही थी। तो बहुत हो हर जगह मेरे दर्शन हो भी रहे थे भगवान भोलेनाथ के, मुझे उनकी पल पल अपने साथ अनुभूति हो रही थी कि वो मेरे साथ हैं, मेरे पीछे पीछे हैं, मैं उनके आगे आगे चल रही हूँ और मेरा वो हाथ